वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज का करंट अफेयर हम चलिए देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री हमारे हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मध्य प्रदेश के किस शहर के नए रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है? कौन सा शहर है हमारा? भोपाल शहर के रेलवे स्टेशन को, खजुराहो शहर के, या इंदौर या ग्वालियर? बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वो हमारा है, हम देख सकते हैं एक मॉडल इंदौर रेलवे स्टेशन, यहीं से आंसर हमको पता चल रहा है। ये इसका प्रस्तावित मॉडल है, ये हमारे प्रस्तावित मॉडल है, इसी तर्ज पे बनाया जाएगा इंदौर का रेलवे स्टेशन। केंद्रीय रेलवे मंत्री ने इंदौर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है। शहर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज में बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, मॉल भी होंगे, होटल सुविधा भी होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित बार्बी हॉकी राष्ट्रीय सीनियर हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल हरियाणा और तमिलनाडु के बीच खेला गया। ये मैच या ये प्रतियोगिता कहाँ खेली गई, मध्य प्रदेश में कहाँ खेली गई? अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर, बॉम्बे अली स्टेडियम भोपाल, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल, या होलकर उषा राजे स्टेडियम इंदौर? हम देख लें, हमारा ये जो प्रतियोगिता खेली गई है वो हमारा हॉकी इंडिया और मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान के में भोपाल के जो मेजर ध्यानचंद मैदान है, हॉकी स्टेडियम है, उस पर हरियाणा का मुकाबला तमिलनाडु से हुआ, जिसने हरियाणा ने तमिलनाडु को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। हम थोड़ा सा इन चार स्टेडियम के बारे में जान लें, क्या क्या है हमारे। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है, यहाँ पर हम हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल आदि खेल आयोजित कर सकते हैं। बॉम्बे अली स्टेडियम, एक्चुअली ये बॉम्बे अली नहीं है, इसका असली नाम कुछ और है, मैं अगले वीडियो में आपको उसको बता दूंगी। बॉम्बे अली स्टेडियम भोपाल में क्रिकेट खेला जाता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में हॉकी, और होलकर उषा राजे स्टेडियम इंदौर में क्रिकेट खेला जाएगा। देश, अगला क्वेश्चन, देश भर में पहली बार देश में जो पहली बार ट्रेंचिंग ग्राउंड में व्यावसायिक तौर पर कचड़े की छटाई के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ये रोबोट इस्तेमाल किया जाएगा? जो ट्रेंचिंग ग्राउंड क्या होता है, एक्चुअली ऊबड़ खाबड़ जमीन, खुदी हुए गड्ढे, उसी को बोलेंगे ट्रेंचिंग ग्राउंड। उस ट्रेंचिंग ग्राउंड पे वहां कचरा इकट्ठा किया जाता है, उस कचरे में से कचरे को अलग अलग प्रकार में बांटेंगे, उसके लिए यूज छटका, सॉरी इसको बोलेंगे कचरे की छटाई, वो हमारा अब रोबोट करेगा। वो रोबोट मध्य प्रदेश के किस शहर में इस्तेमाल में लाया जाएगा, भोपाल शहर में, जबलपुर में, या इंदौर या उज्जैन? हमारा सही आंसर है इंदौर। हमारा जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है, मलखात भूमि, मतलब जहां पे कचरा वगैरह पड़ा रहता है, वहां पर कचरे की छिटाई का काम अब नेप्रा कंपनी इंदौर में रोबोट का उपयोग शुरू करेगी। अभी इस रोबोट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया जा रहा है, और इसका अभी प्रैक्टिकल कहाँ पे किया जा रहा है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कंपनी इसको कचरा प्रतिकरण के रूप के प्लांट में उपयोग कर रही है। यह रोबोट वस्तुओं को पहचानेगा और उन्हें अलग अलग करेगा, यहाँ सूखे कचरे को अलग करेगा, गीले कचरे को अलग करेगा। एक कर्मचारी अगर 1 मिनट में 40 वस्तुएं को उठाता है, कचरा अलग करता है 40 वस्तुएं, तो रोबोट 1 मिनट में 200 वस्तुओं को अलग कर देगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि एक कर्मचारी सुबह 9 से या 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करेगा, लेकिन यहाँ एक रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है। इससे हमारे काम की इफिशियंसी भी बढ़ेगी और कचरा जल्दी से जल्दी खत्म करेगा। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश की कौन सी कंपनी ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम आयोजित कर रही है? आने वाले समय में एक ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम आयोजित होगा, वो मध्य प्रदेश सरकार ने किस कंपनी को उत्तरदायित्व दिया है? क्रिस्प, IISER भोपाल, साइंटेक टेक्नोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं, या मध्य प्रदेश सरकार खुद भी इसका आयोजन करेगी? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका आयोजन कौन करने वाला है? क्रिस्प कंपनी। हमारा सही आंसर है क्रिस्प। इसका फुल फॉर्म हम देखें जरा, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिस्प ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम शुरू करेगा। इसमें क्या होगा? युवाओं को राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ऑटो सर्विस, सोलर पंप टेक्नीशियंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अब सबसे मतलब बोलना चाहिए करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट हुआ था सूरत में, इसको बोलेंगे छोटे फॉर्म में IASC 2020, 2020 के लिए दिया जा रहा है। ओवरऑल विनर के रूप में हमारा इंदौर, पिछले 5 बार से तो इंदौर ही हमारा विनर रहा है। अब 6वीं बार इंदौर और साथ में एक और देश का शहर चुना गया। अगर मैं क्वेश्चन देती कौन सा मध्य प्रदेश का शहर चुना गया, तो आप तुरंत आंसर दे देते, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। कौन सा शहर इंदौर के साथ नंबर 1 में ओवरऑल रूप में चुना गया है? सूरत, तिरुपति, अहमदाबाद या चंडीगढ़? हमारा सही आंसर है सूरत। कैसे देखें जरा, इंडिया में स्मार्ट सिटी, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट आईसेक 2020 के लिए ओवरऑल विनर इंदौर के साथ हमारे गुजरात का जो शहर है सूरत को चुना गया है, और तीसरे स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश के एक और शहर ने बाजी मारी है, वो जबलपुर। एक्चुअली इंदौर ने 8 में से 6 प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्रदान दिया गया, 8 कैटेगरी थी, उसमें से 6 कैटेगरीज में प्रथम पुरस्कार लिया है। एक तो है ही सभी श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार, यानी कि ओवरऑल विनर हमारे इंदौर रहा। दूसरा, बेहतर वातावरण, यानी कि एक इन्वायरमेंट तैयार किया गया है अच्छा लोगों के लिए। प्रतियोगिता के इस वर्ग में स्मार्ट सिटी ने किस आधार पे इसको दिया गया है? हमारे इंदौर में 56 दुकानों का एक चौपाटी बोलना चाहिए, चौपाटी है, 56 दुकानों की एक कायाकल्प ही इस तरीके से चेंज कर दी है कि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ वहां पे आराम से और भी तरीके की क्रियाकलाप किया जाता है, यानी कि बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बैठने बैठने का बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार किया गया। तो इसमें इसको इसलिए इसको प्रथम पुरस्कार मिला है इस क्षेत्र में। सैनिटेशन मतलब सफाई, सैनिटेशन निगम का कचरा प्रबंधन सिस्टम, सैनिटेशन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, इस कैटेगरी में इंदौर को अपना एक तिरुपति शहर है अपना, उसके साथ पहला पुरस्कार मिला हुआ है। संस्कृति, कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, यानी कि विरासत संरक्षण परियोजना, इस कैटेगरी में इंदौर को चंडीगढ़ के साथ पहला पुरस्कार मिला है। और एक और गर्व की बात है कि ग्वालियर, हमारे ग्वालियर को तीसरा पुरस्कार मिला हुआ है इसमें। आज हम आगे देखें एक और, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में मतलब इकोनॉमिक कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एक और कैटेगरी में जिसका मतलब है कार्बन ऋण वित्त पोषण तंत्र, यानी कि कार्बन जो क्रेडिट है जो साल भर में या महीने भर में जो कार्बन उत्पादन हो रहा है उसमें, इसमें इंदौर ने सबसे कम उत्पादन किया है, इसमें इंदौर को सबसे प्रथम पुरस्कार मिला है। इनोवेटिव आइडिया, एक कोई सा आइडिया जो हमारे स्मार्ट सिटी के लिए फायदेमंद रहा हो, एक वो आइडिया हमारा कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म, यही इसमें इस वर्ग में भी इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है। हमारे जो पुरस्कार दिया गया है वो किसने दिया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप पुरी ने दिया है, और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं देने को इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, कॉन्टेस्ट के तहत। इंडिया स्मार्ट सिटी ओवरऑल कॉन्टेस्ट में हमारे भोपाल को
क्लीन एनर्जी अवार्ड भी मिला हुआ है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी को जो हमने अभी देखा था, ये संस्कृति विरासत में तीसरा स्थान मिला है। किस लिए दिया गया है? उसको दिया गया है, ग्वालियर ने गोरखी की जगह पे एक डिजिटल म्यूजियम चालू किया है, बनाया है। यहाँ पर पूरा सिस्टम डिजिटल है। यहाँ पे उसकी संस्कृति, देश की विभिन्न संस्कृति, ग्वालियर की संस्कृति और एक पुराणिक पुरातत्व जो हेरिटेज है हमारे, उनका बारे में जानकारी दी गई है। उनकी संगीत, कला, चित्रकला के बारे में सभी चीजें डिजिटल के माध्यम से दर्शाई गई हैं। स्मार्ट सिटी एक और अच्छी न्यूज है। स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में राउंड थ्री में लेकिन सागर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और ये स्थान सागर को दूसरी बार सेकंड पुरस्कार, वो भी दूसरी बार मिला हुआ है फिर से। और ओवरऑल सभी स्टेट्स या राज्य में मध्य प्रदेश हमारा दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान हमें मिला है उत्तर प्रदेश को और तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसका कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर, और कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।